जी हाँ साथियों, बिल्कुल आपने सही सुना है। महतारी वंदन योजना छठी किस्त को लेकर बड़ी अपडेट आ रही है कि सभी महिलाओं को छठी किस्त की राशि सीएम विष्णुदेव साय के द्वारा किस दिन ट्रांसफर होने वाली है। साथ ही इस बार छठी किस्त की राशि किन किन महिलाओं के खाते में भेजी जाएगी, पूरी जानकारी के लिए वीडियो के एंड तक बने रहें। अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो फटाफट वीडियो को लाइक जरूर कर दें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के घंटे को भी जरूर दबा दें, जिससे आपको इसी तरह सभी सरकारी योजनाओं की खबर आप तक पहुंचती रहे। जैसा कि आप सभी लोगों को पता होगा, महतारी वंदन योजना पांचवी किस्त की राशि 70 लाख से अधिक महिलाओं के बैंक खाते में 1 जुलाई 2024 को सीएम विष्णुदेव साय ने 1,000 रुपए करके सभी महिलाओं के बैंक खाते में ट्रांसफर कर दिए थे। और अब सभी महिलाएं छठी किस्त का बेसब्री से इंतजार कर रही है कि सीएम विष्णुदेव साय छठी किस्त की राशि किस दिन खाते में ट्रांसफर करने वाले हैं। और साथ ही क्या सीएम विष्णुदेव साय इस बार रक्षाबंधन का उपहार भी देने वाले हैं? तो दोस्तों, इन सभी को लेकर अपडेट आ चुका है। महतारी वंदन योजना छठी किस्त की राशि 5 तारीख से पहले ही ट्रांसफर कर दी जाएगी, यानी कि 1 अगस्त से लेकर 5 अगस्त के बीच में कभी भी सीएम विष्णुदेव साय छठी किस्त की राशि ट्रांसफर कर सकते हैं। साथ ही खबर ये भी आ रही है, क्या इस बार छठी किस्त की राशि पर लाडली बहना योजना की तरह राशि में बढ़ोतरी की जाएगी या फिर कोई उपहार देने वाले हैं? तो दोस्तों, इसको लेकर ये पूरा डिपेंड करता है सीएम विष्णुदेव साय पर। या फिर आप सभी लोगों को रक्षाबंधन का उपहार मिलने वाला रहेगा तो सीएम विष्णुदेव साय के द्वारा अपडेट कर दिया जाएगा। साथ ही आपको बता दें, महतारी वंदन योजना छठी किस्त की राशि उन्हीं महिलाओं के बैंक खाते में ट्रांसफर किए जाएंगे जिनकी उम्र अभी आधार कार्ड के अनुसार वर्तमान समय में 60 वर्ष से कम है। अगर आपकी उम्र 60 वर्ष से अधिक हो गई है तो आपको इस बार छठी किस्त की राशि आपके खाते में नहीं भेजी जाएगी, क्योंकि इस योजना की जो पात्रता है 21 वर्ष से लेकर 60 वर्ष के बीच रखी गई है। तो साथियों, आप सभी लोग एक बार पात्र सूची में अपना नाम जरूर देख लेंगे कि आपका नाम है या फिर नहीं है। पात्र सूची में अपना नाम देखने के लिए आपको इनकी ऑफिशियल वेबसाइट mahatarivandan.cgstate.gov.in पर आ जाना है। यहाँ पर आने के बाद आपके सामने इस प्रकार खुल करके आ जाता है। आपका पर साइड में मेन मेनू का ऑप्शन देखने को मिलता है, इस वाले ऑप्शन पर आपको सिंपली क्लिक करना है। उनके बाद जैसे स्क्रॉल डाउन करके नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन देखने को मिलता है, अंतिम सूची। इस वाले ऑप्शन पर आपको सिंपली क्लिक कर देना है। यहाँ पर आप जैसे क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह से खुल करके आ जाएगा। सबसे पहले यहाँ पर आपको अपना डिस्ट्रिक्ट बताना है कि आप यहाँ पर कौन सा जिला पड़ता है। मैं यहाँ पर आपको एग्जांपल के तौर पर बता रहा हूँ, इसी तरीके से आपको सिलेक्ट करना है। यहाँ पर आपको अपना क्षेत्र बताना है कि ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं या फिर शहरी क्षेत्र में। उसके बाद यहाँ पर आपका जो भी ब्लॉक प्रखंड पड़ता होगा, आप अपने ब्लॉक नगर निकाय को सिलेक्ट करेंगे। उसका जो भी आपका परियोजना ग्रामीण पड़ता होगा वो यहाँ पर आ जाएगा, आप उनको सिलेक्ट करेंगे। देन उसके बाद आपको यहाँ पर अपना सेक्टर बताना है कि आप यहाँ पर किस सेक्टर में, किस ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं, वो आपको सिलेक्ट कर लेना है। देन उसके बाद यहाँ पर आपको गांव वार्ड का नाम आ जाता है, तो जो भी आपका गांव होगा वो आप यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद अंतिम में आपको यहाँ पर आंगनवाड़ी केंद्र का नाम पूछा जाता है, तो जो भी आपका होगा वो यहाँ पर आपको ऑटोमेटिक देखने को मिल जाएगा। सिंपली आपको इस वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद स्क्रॉल डाउन करके नीचे आएंगे तो आपके सामने पूरी लिस्ट खुल करके आ जाती है। इस सूची में अपना नाम देखने के लिए सबसे पहले यहाँ पर आपको आवेदन का क्रमांक संख्या देखने को मिल जाता है। आवेदिका का जो भी नाम रहेगा वो आपको नाम देखने को मिल जाएगा। पति का नाम देखने को मिलता है। देन उसके बाद आवेदिका का क्या प्रकार है वो प्रकार देखने को मिल जाता है। उसके बाद यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट दिया गया है 1/1/2024 से जो भी आपकी वर्तमान आयु की स्थिति होगी वो देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पर देखिए, इस महिला की जो उम्र है अभी तक 60 वर्ष से कम है, यानी कि 46 है। तो इस महिला को इस बार यहाँ पर जो छठी किस्त की राशि जरूर ट्रांसफर की जाएगी। अगर आपकी उम्र यहाँ पर 60 वर्ष से अधिक हो जाती है तो आपको आगे से इस योजना का लाभ नहीं दिया जाता है। उसके बाद यहाँ पर आपको साइड में आंगनवाड़ी केंद्र का नाम देखने को मिल जाता है। तो इस प्रकार आप लोग यहाँ पर एक बार अंतिम सूची में अपना नाम जरूर देख लेंगे कि आपका नाम इस अंतिम सूची में है या फिर नहीं है। अगर आपका नाम इस अंतिम सूची में है तो आप लोग हमें नीचे कॉमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही अगर आपका नाम पहले पेज में देखने को ना मिले तो यहाँ पर देखिए कई सारे पेजेस दिए गए, पहले में ना मिले तो दूसरे पर क्लिक करेंगे, तीसरे पर क्लिक करेंगे। एक एक करके आप वहाँ पर चेक करना है कि आपका नाम है या फिर नहीं है। आई होप ये वीडियो आप सभी लोगों के लिए काफी इन्फॉर्मेटिव रही होगी। अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगी है तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें, साथ ही इस वीडियो को आगे भी जरूर शेयर कर दें ताकि और भी लोगों को जानकारी मिल सके।